सो हेलो गाइस, क्या चल रहा है? स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। राज बनोश के है थर्ड में डुअर्स स्क्वाड में खेल रहा था, और इस मैच में देखना तुम्हें एक सीन इतना गजब का लगने वाला ना, मतलब बहुत ही ज्यादा गजब। तुम कहोगे भाई ये क्या चल रहा है इस गेम में। खैर जो भी हो, अभी शांति रखते थोड़ी। बीबी भाईजान मुझे मिली और ये भाईजान भी मिले कुछ, और तुम लोगों ने ना कल भाई हद कर दी। शायद हो सकता है कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं समझोगे, बट मैं समझा दूंगा। हाँ बिल्कुल सही, मैं लैश ग्रैब करा यहाँ पे और हाँ इन दोनों को पूरा फिनिश करा। और अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि भाई तुम्हें किसने बताया कल, तुम्हें किसने बताया कि मेरा बर्थडे था कल? मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मैं ऐसे ही कमेंट चेक करने लग गया, मुझे लगा भाई कभी स्पैमर्स ना आ जाए। स्पैमर्स तो नहीं थे, लेकिन स्पैमर्स ही लगा लो भाई, हर कोई हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मैं भाई हैरान हो गया कि किस एंगल से किसने बता दिया। अब मुझे बस एक ही कमेंट दिखा था, और उस कमेंट के बाद ही सारे कमेंट आने लगे। हो सकता है उसी को देख के सभी लोग छाप दियो हाँ भैया होगा होगा। चलो अब मेरे से ऑनेस्टली बताना, जिसने भी कमेंट करा था ना, तुम्हें कहाँ से पता चला भाई ये इन्फॉर्मेशन, कहाँ से पता चली कि भाई मेरा बर्थडे था कल? नहीं था यार, नहीं था। वापस ले लो अपनी दुआएं, जब होगा उसके लिए संभाल के रखना। खैर जो भी हो, सच में यार ये मिली वेपन्स ना बड़ी बड़ी काम की चीज़ है। कभी कभी काम आ जाती, कभी कभी नहीं आती। लेकिन अगर तुम्हारे पास पास काफी सारे बंदे ना, जैसे मान लो 3-4 बंदे तुम्हारे आसपास और तुम्हारे पास तवा है, तो भाई एक बार मार के देखो। मैं बता रहा, दो हिट मार के देखो, किसी ना किसी के लग ही जाएगा और 104% नॉक होएगा। अगर बंदे बिल्कुल आसपास है तो तुमने देखा होगा बहुत दर से बिल्कुल पास था, तो उसको मैंने इजिली मार दिया। भले इस पास कोई भी गन होती, मुश्किल था इसका, सच में जिसको दूरी बनाए रखनी पड़ती तब जाके कुछ कर पाता। ये मिली वेपन्स की चौड़ है, इनसे बचना है तो भाई दूरी बना के रखो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे और कोई बंदा होता नहीं है। यहाँ से गाड़ी लेते हैं, मिरांडो मेरे को मिल चुकी थी और मैं स्टेडियम वाले एरिया में निकल रहा था, पर हमारी गाड़ी फिसलती है हल्की सी। अब एक बार के लिए मैं सोच रहा था कि वहीं से रुक के स्प्रे मार दूंगा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि बहुत बार ऐसा मरता, थोड़ा कंट्रोल्स करता जिस बातों पे, अंदर कवर में रोकते गाड़ी और फिर सीधा ऊपर जाएंगे। देखो मैं वेपन्स पीछे रख के जा रहा था कि कुछ करके बंदा निकल ना जाए यहाँ से, और नहीं निकला है। सुनो आ गई है, बिल्कुल गिरा। एस्टल की थी बंदे के पास, मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, या तो कहीं से छुपके वार करना पड़ेगा या फिर पीछे से। और मैंने पीछे से वार करा क्योंकि वो बंदा सीधे सीधे जा रहा था, उसे क्या पता मैं पीछे से आ चुका हूँ। अब हो सकता है वो फुटस्टेप्स रीड नहीं कर पाएगा, पर यहाँ पे और भी बंदे आ चुके हैं। चलो भाई ये वाली टीम भी यहाँ पे मारे जाती है, और अब मैं आपसे जो बताने वाला हूँ ना वो भाई ढंग से सुनना। देखना अपने टीममेट को मैंने रिवाइव करा। अब कुछ देर बाद यहाँ पे टोम्बी की आवाज आती है, और जरा सुनो पहले टोम्बी की आवाज आपको आ चुकी होगी, और ये गोलियां चल रही थी सेंट्रल रोड में। देखो सामने आप लोग देख सकते हैं, डासी भी और एक बंदे का फ्लैश भी दिख रहा है गोली का। हाँ भाई गोली चला रहा है वो, पॉज करके देखना आपको दिख जाएगा। मैंने सोचा भाई दूर है बंदे, कोई नहीं चिल करके लूटते हैं, पर अपार्टमेंट की तरफ भी बंदे होते हैं। देखो आपको बिल्कुल सही गनशॉट की आवाज आ रही होगी, 2-3 बंदे थे उस तरफ। तो मैंने सोचा चलो भाई अब गाड़ी लेते हैं और किसी ना किसी एक बंदे की तरफ निकलेंगे, एक टीम की तरफ। पर मैं देखता हूँ राइट साइड, आपको शायद 2-3 बंदे उतरते दिख गए होंगे, एकदम से कूद रहे थे वो, कूद नहीं रहे थे यार, गाड़ी में से निकल रहे थे। अब मैंने सोचा कि नेट टॉस कर दो क्योंकि 2-3 बंदे बिल्कुल फैल रखे हैं, पर ट्विस्ट है यहां पे। इतनी देर तक यार बंदे मारा था, अब जाके फुल स्टॉप लगता है जो कि इस बंदे ने लगाया, पर इसका फुल स्टॉप मेरे टीम ने लगा दिया, इस बंदे को मेरे टीम ने मार दिया। चलो रिवाइव मिल जाता मेरे को, और क्या ही किल्स मिले भाई यहाँ पे, सीधे 4 किल मेरे को मिल गए, 2 अपनी मेहनत से करे मैंने और 2 किल शायद से मैंने चोरी करे। और मैं बता रहा था ना आपसे कि एक टीम है अपार्टमेंट की तरफ और एक टीम है सामने डाशिया वाली, दोनों टीम एक साथ आ गई। अगर हम यहाँ पे पहले आए होते ना तो पक्का मारा जाता थर्ड पार्टी से, इसलिए जब भी तुम्हें 2-3 टीम दिखे भाई पेशेंस रखो, हल्का सा वेट करो, अच्छे से एंगल ढूंढो, और भाई तुम मस्त मजे से मार सकते दोनों टीम को। खैर जो भी, अब हमने सोचा कि यहाँ से निकलेंगे, मतलब अपनी गाड़ी लेंगे, इनकी जो गाड़ी है वही लेके निकल लेंगे। वो
और एकदम से इतने सारे बंदों को देखने के बाद ये अकेला बंदा ना बड़ा ही छोटा बड़ा ये अजीब सा लगा मेरे को कि बस एक बंदा, क्योंकि भाई इतने सारे बंदे यहाँ पे हो गए थे। खैर जो भी हो, वापस हमने गाड़ी निकाली और हम निकले थे जंक यार्ड की तरफ। मतलब ये वाला ड्रॉप लूट नहीं ऐसे हम आए थे, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे देखो बैग पड़ा हुआ था, मतलब ड्रॉप तो लूट चुका है। तो मैंने सोचा चलो भाई अपना सफर जारी रखते हैं, रुकने की जरूरत है नहीं। इस वाले घर के पास आया मैं, कोई फुटस्टेप मुझे नहीं आया, मतलब मुझे लग रहा था कोई बंदा है नहीं आया यहाँ पे, लेकिन मुझे गलत लगा यार, बंदे होते हैं वहाँ पे। देखो गन शॉट की आवाज़ आई और M24 नहीं चली, वो ड्रॉप शायद इसी बंदे ने लूटा होगा। तो मैं गाड़ी लेके एक बार तो गया इसमें रांडो के पास, यहाँ एक मिरांडो थी, कि चलो भाई देखते हैं एक ही बंदा है कि नहीं। और एक भी बंदा नहीं दिखा, लेकिन इस बार देखना पूरी टीम दिखेगी। M249 वाला बंदा दिख चुका था, पर इसके टीममेट देखो इन घरों में छुप रखे थे। तो मैंने सोचा गाड़ी को कवर में रोकते हैं, मैंने सोचा एक नेट टॉस करूंगा और फिर इस बंदे को मारूंगा इसको। सरप्राइज M4 की आवाज है ना, हाँ मुझे पता है बिल्कुल आ चुकी होगी, जो कि सामने वाले घर में से आ रही थी। यहाँ पे होता है वो वाला बंदा, स्कोपिंग करा मैंने, अभी तक मुझे दिखा नहीं था, लेकिन इतनी सी उसके हेलमेट की झलक दिखी थी अगर आप लोग पॉज करके देखो तो। कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल, मैं अभी दिखाता ना। देखो आप देखो छज्जे के पास आपको दिख रहा होगा शायद सर, और ये शॉट मेरे को ही कंफ्यूज कर गया। मतलब मुझे भी एक बार के लग रहा था कि यार मरना चाहिए था बंदे को, और एक बार मुझे लग रहा था कि नहीं मरना चाहिए था। आप लोग एक बार देखना, तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई मैंने सही शॉट मारा है गलत। कसम से मैंने सोचा बंदा ऊपर ही होगा, पर नहीं, फ्लैंक मार चुका है बंदा। और कैसे नहीं मारेगा यार, ऐसे दिख रहा है दो तीन बंदे आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो ढंग का कवर लेना पड़ेगा। वैसे इस घर में क्या कमी थी, मैंने वहाँ मोली फेंकी एक, और इस मोली से तो कुछ नहीं होने वाला, पर दूसरी मोली से होता है। और कसम से यार ये अनबिलीवेबल था, मतलब मोली से भी बंदा जल चुका है। उसके बाद मैं देखो कम से कम 5-1 AK का तो डैमेज रजिस्टर हो ही गया था बंदे के, फिर भी बंदा अपने पैरों पर खड़ा है। भाई कैसे हो सकता है ऐसा, कोई बात नहीं, टीममेट मेरे को रिवाइव कर दिया, बच गया यहाँ पे। गाड़ी लेके मैं आता देखो इस वाले हिल पे, क्योंकि ये जगह जोन में थी, और देखो हम बिल्कुल जोन के कॉर्नर में थे, तो हम यहाँ से देख सकते कि कौन बंदा कहाँ पे। तभी मुझे देखो सामने गाड़ी दिखती है, देखो शायद आपको डांस दिख रही होगी, बंदा उतरा आप ऑफकोर्स, ये देखो दरवाजे से तो होता जाएगा ही। तो मैंने वहीं पे एम करा, एक बॉडी शॉट भी लग गया उस बंदे के, और मैंने टीममेट को जल्द से बैठा कि भाई जल्दी जल्दी चलते हैं, उसको फर्स्ट एड नहीं लगाने देंगे। और देखना मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा था। आई ना आपको बस फर्स्ट एड ही लगाई उसने जस्ट। और ये तो मुझे पता ही था कि भाई कोई ना कोई स्टिल के प्रो जरूर मिलेगा, तभी मैंने अपने टीममेट के हाथों में ऑलरेडी एक खतरनाक वेपन दे रखा था कि भाई तू भी रखियो, कोई आएगा ना तो उसे सरप्राइज मिल जाएगा कि हाँ भैया ये भी कम नहीं है स्टिल के, इनके पास भी। खैर जो भी हो, इस वाले मैच में था पायलट प्लाजा में, क्या लेने, किल्स लेने, प्लाजा नहीं लेता मैं यहाँ पे। लूट तो मेरे को देखो ठीक ठाक से मिल जाती है, लेकिन इस वाली बिल्डिंग्स में कोई बंदा नहीं आता, दूसरी वाली बिल्डिंग्स पे आते बंदे। तो मैंने सोचा पहले गाड़ी ले लेते हैं, वहाँ से पैदल जाएंगे फिर पैदल आएंगे, इतना आलस आता भाई अपने को। तो मैंने गाड़ी ली, टीममेट को पिक करा, और जैसे मैं यहाँ पे आया देखो कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैं सीधा सीधा ऊपर जाऊंगा। लेकिन अब सुनना, दो बंदों की फुटस्टेप्स की आवाज है भाई साहब, और पीछे से अटैक करने में मजे तो है। चलो भाई इन बंदों को मारा, देखो दो किल्स मेरे हो जाते, दोनों बंदे को मैंने लपेट लिया। अब मैं देखो इसी वाली बिल्डिंग में ऐसे घूम रहा था, क्योंकि ऊपर से सिर्फ एक बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, और ज्यादा मेरे मैप पे मैं नजर डालता नहीं हूँ भाई, हर कोई ज्यादातर साउंड पे डिपेंड रहता है। तो सुनो आप लोग एक बार, अब मुझे तो यही लग रहा था कि एक बंदा, तो देखो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, और देखो फिर भी दरवाजा चेक करता जा रहा था कि एकदम से बंदा सरप्राइज अटैक ना दे दे, और सरप्राइज। और चलो भाई 3 किल पूरे हो जाते हैं यहाँ पे, और किसी होटल पे 3 किल हो जाना तो भाई सही है, मतलब कम है एक तरह से, लेकिन फिर भी यार अगर 2-3 स्कोर आते हैं 3 किल वहाँ से मिल जाए तो सही सही है। खैर जो भी हो, गाड़ी निकाली वापस से, निकले अपार्टमेंट की तरफ। हाँ हाँ रे अदर से भाई यहाँ पे, और मेरा टीममेट देखो किस तरह से गायब हुआ, मतलब ऐसा नहीं गाड़ी से उतरा हो, एकदम से गायब ही हो गया कि हाँ भाई कहाँ चला गया टीममेट। खैर जो भी यहाँ पे देखो गोलीबारी हो रही थी, मैंने देखा कि भाई है कितने बंदे, कहीं मैं उतर जाऊँ, 2-3 बंदे स्प्रे मारे भड़ता बन जाए मेरा। दो बंदे थे लेकिन एक को मैं गाड़ी से कर सकता हूँ शायद से।
और कसम से ये बंदा मेरे को दिख रहा था, मैंने सोचा भाई मस्त तीसरा नॉक निकाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा ही नॉक निकल जाता है, इसको मेरे टीममेट ने मार दिया। मतलब जैसे मैंने देखा तभी मेरे टीममेट ने इसको मारा और फिर इनके टीममेट ने मेरे को नॉक कर दिया। भाई बहुत सही हुआ यहाँ पे, जो भी सोचा था सब कुछ उससे विपरीत होता है। हाँ शुधिन दी, जो भी टीममेट ने अपने को रिवाइव करा और देखो वो बंदा मुझे दिखता है वापस है, मतलब सुनता है और अब दिखता है। चलो भाई ये वाली टीम पूरी मैरिज आ चुकी थी, यहाँ पे कुछ बॉट वगैरह मार के गाड़ी निकाली हम लोगों ने वापस से, और अब हमने सोचा भाई थर्ड हिल की तरफ निकल देते हैं ना, देख लेते हैं वहाँ भी कुछ कस्टमर्स। बट कस्टमर्स होते हैं यहाँ पे सेंट्रल रोड वाले एरिया में, और मैं समझ चुका था कौन से घर में, जिस तरह से गन शॉट की आवाज़ है ना, मैं समझ चुका था इस घर में होंगे। मुंडा घर तो बाहर है भाई, घर की बोल रहा था मैं, कहाँ बाहर लेट के स्प्रे मार था कहीं थर्ड हिल की तरफ, इससे भी पता चलता कि हाँ भाई थर्ड हिल में भी बंदे हैं। इसको पूरा समाप्त बोले तो फिनिश करो, और अब वो रहा है ब्रिज पे, ब्रिज पे, ब्रिज पीछे वाले पर यार, पीछे भी बंदे अपने साहिल, पीछे भी बंदे हैं, अरे आ रही है, चलो ना